नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के सपोर्ट में आए गिरिराज सिंह, बोले देश धार्मिक कानूनों के आधार पर नहीं चल सकता। टीडीपी कांग्रेस ने की राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाने की मांग। पूर्व वित्त मंत्री ने पूछा किसकी जेब में 48,284 करोड़ रुपए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ टिप्पणी पर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र नाराज, कहा अन्ना मलाई माफी मांगे। एनआईए ने लश्कर ए तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकी के खिलाफ दायर की चार्जशीट, उरी में की थी घुसपैठ। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके उत्तर प्रदेश की जेल में बंद 12 उम्र कैदियों को दी जमानत। भारतीय सेना ने चीन सीमा से सटे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास किया सैन्य अभ्यास, 600 सैनिकों से लिया हिस्सा। रक्षा मंत्रालय ने 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को दी मंजूरी, एनजीओ और राज्य सरकारों के साथ मिलकर की जाएगी स्थापना। विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे मालदीव, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली सरकार के बजट पर बरसी बीजेपी, आदेश गुप्ता बोले रोजगार बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, कहा जून तक वार्ता नहीं होगी, जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक क्षेत्र में शांति नहीं होगी। एक तिहाई घट गई मृदा की जल धारण क्षमता, मिट्टी में 1% से घटकर 0.3% पहुंची कार्बन तत्वों की मात्रा। अब सितंबर तक मुफ्त राशन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। पढ़ाई, नौकरी और व्यापार के लिए विदेश जाने वालों को सतर्कता डोज पर लगाने के विचार कर रही सरकार। दो साल बाद फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने, कोविड दिशा निर्देशों को किया गया संशोधित। कर्नाटक के मंदिर परिसरों में मुसलमानों के व्यापार करने पर रोक की मांग, विभिन्न इलाकों में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। औरैया में रोडवेज बस की चपेट में आई स्कूटी, स्कूटी सवार 2 लोग हुए घायल। बहराइच में सेंटर के कर्मचारियों को मिला न्याय, एक साथ खाते में पहुंचे 6 महीने से बाधित तनख्वाह। फिरोजाबाद में चौकी इंचार्ज की दबंग गई आई सामने, विधवा महिला की दुकान बंद कराने पहुंचे चौकी इंचार्ज। मथुरा में जालसाजी की भेंट चढ़ा दंपत्ति, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई तेज।
अंबिकापुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। होमगार्ड के घर को चोरों ने बनाया निशाना। उन्नाव में परीक्षाओं को लेकर बीएसए की बड़ी लापरवाही। विद्यालय में नहीं पहुंचा कला का पेपर। बरेली सिटी से तीसरी बार विधायक बने अरुण सक्सेना। बनाए गए राज्य मंत्री। साफ सुथरी छवि की वजह से लोगों की पसंद। मथुरा में डबल मर्डर से सनसनी। बंद पड़े घर में मिला पति पत्नी का जला हुआ शव। धुआं निकलता देखकर पड़ोसियों को हुआ शक। गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अफसरों को दो टूक। अंत्योदय है हमारा लक्ष्य। तैयार कर ले अपनी कार्य योजना। सपा मुखिया अखिलेश यादव चुने गए समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता। विधानसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की बैठक के बाद अखिलेश यादव से मिले जयंत चौधरी। बोले जारी रहेगा गठबंधन। योगी सरकार के 39 मंत्री करोड़पति। 20 पर गंभीर आपराधिक मुकदमे। योगी आदित्यनाथ की दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रामनगरी अयोध्या उत्साहित। स्वर्णिम संभावनाओं से युक्त होंगे अगले 5 साल। मंत्रियों का विभागों के बंटवारे में अभी लगेगा वक्त। विधानसभा सत्र के बाद हो सकता है बंटवारा। रविवार को पेट्रोल के दामों में 49 तो डीजल के दामों में 55 पैसे की बढ़त। 100 रुपए के नजदीक पहुंची कीमत। अभी और सताएगी गर्मी। सावधान अगले 3 दिनों में और बढ़ सकता है तापमान। हिमस्खलन की भी चेतावनी। सर्वसम्मति से पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई ऋतु खंडूरी। ग्रहण किया पदभार। लालकुआ सीट पर हरीश रावत को हराने वाले विधायक मोहन बिष्ट ने दिया इस्तीफा। गांव गांव जाकर शिक्षा की अलख जगाने में जुटे राजीव पांथरी। 34 साल से पहले शुरू किया था अभियान। लालकुआं सीट पर हरीश रावत को हराने वाले विधायक मोहन बिष्ट ने दिया इस्तीफा। गांव गांव जाकर शिक्षा की अलग जगाने में जुटे राजीव पांथरी। 34 साल से पहले शुरू किया था अभियान। सैन्य अफसर बनकर दो लोग से ठगी। 2.5 लाख रुपए पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। इस बार स्वार्थ सिद्धि और रवि पुष्य योग के विशेष संयोग में पड़ सकते हैं चैत्र नवरात्र। बाजपुर में श्रमिकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 2 की मौत 40 घायल। कई की हालत गंभीर।
सरकारी स्कूलों में टीकाकरण जारी, अभिभावकों ने कहा पहले सुरक्षा जरूरी। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट, राज्य सरकार ने खरीदी 60 करोड़ की बिजली। मसूरी में गुब्बारे में गैस भरने के दौरान फटा सिलेंडर, 100 मीटर दूर गिरा होटल कर्मचारी का पैर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, सबूत मिटाने के जुर्म में साथी को 5 साल की जेल। मानवीय गलियारे बनाने से मिल रही सफलता, 5,200 यूक्रेनियाई लोगों को निकाला गया। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज, इस्लामाबाद में पीएम इमरान खान करेंगे मेगा रैली। कमजोर हो रही रूस की पकड़, यूक्रेन की सेना ने ट्रांसयानेट्स शहर को बनाया अपने नियंत्रण में लिया। आसमान से गिर रहे बम और तोप के कोले, बेसमेंट में छिपकर जान बचाने को मजबूर लोग, मौत के साय में घिरा यूक्रेन का चेर्निहिव। पाकिस्तान में सियासी तूफान, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान भीड़ के भरोसे सरकार के 50 मंत्री गायब। पोलैंड में यूक्रेन शरणार्थियों से मिले बाइडेन, वॉर क्रिमिनल के बाद अब पुतिन को कहा कसाई। नहीं सुधरा तालिबान, पुरुष अभिभावक के बगैर यात्रा कर रही महिलाओं को फ्लाइट में चढ़ने से रोका। यूक्रेन का दावा, जंग में मारे गए रूस के 16,000 सैनिक, जेलेंस्की बोले अब खेर्सान को वापस लेने पर करेंगे फोकस। पाकिस्तान को शर्मिंदा होने की जरूरत, विदेश मंत्री मोमेन बोले 1971 के युद्ध में नरसंहार करने के लिए मांगनी चाहिए माफी। मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज का, प्रधानमंत्री को अलविदा कहने विपक्ष भी जाएगा इस्लामाबाद। नहीं मान रहा रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी, पुतिन पर जमकर भड़के जो बाइडेन। चीन में क्रैश हुए प्लेन में सवार सभी 132 लोगों की मौत की हुई पुष्टि, 120 के डीएनए की हुई पहचान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 6 अरब रुपए की रिश्वत का आरोप। बाइडेन ने यूरोप से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा, पुतिन ने कहा नाटो की सीमाओं में घुसने के बारे में ना सोचें। नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, दोनों देशों ने 9 समझौतों पर किया हस्ताक्षर। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराया, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर, टीम के साथ जुड़े सूर्य कुमार यादव।
केकेआर के विकेट कीपर शेल्टन जैक्सन के मुरीद हुए सचिन तेंदुलकर, बोले धोनी की याद दिला दी। सचिन तेंदुलकर की तरह महेंद्र सिंह धोनी को भी टोटके पर भरोसा, हरभजन ने किया खुलासा। मंधाना और मिताली के अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 275 रनों का रखा लक्ष्य। केकेआर की जीत का श्रेयस अय्यर ने तेज गेंदबाज उमेश यादव को दिया क्रेडिट, बताया धोनी की वजह से क्यों बढ़ जाती है टेंशन। एमएस धोनी पिछले साल ही छोड़ने वाले थे कप्तानी, स्टीफन फ्लेमिंग ने अब दी बड़ी जानकारी। चेन्नई के ऑलराउंडर ने नंबर वन सॉन्ग रिलीज किया, कहा भारत मेरा दूसरा घर। सूर्य कुमार यादव को लेकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने दी प्रतिक्रिया, आईपीएल के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा टीम इंडिया में उनकी जगह। कॉलेज की टीम में नहीं मिली जगह, आईपीएल से भी रहे बाहर, अब पहले ही मैच में गेंदबाज उमेश यादव ने किया बड़ा कारनामा। ड्वेन ब्रावो ने की मलिंगा की बराबरी, सीएसके की हार के बावजूद बनाया बड़ा आईपीएल रिकॉर्ड। एमएस धोनी आईपीएल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बल्लेबाज बने, द्रविड़ को छोड़ा पीछे। नहीं चला रविंद्र जडेजा की कप्तानी का जादू, चेन्नई को कोलकाता ने हराया। सीएसके की कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार साथ आए कोहली और धोनी, प्रैक्टिस सेशन के दौरान मिले दोनों। बीसीसीआई ने किया टोक्यो हीरोज का सम्मान, नीरज चोपड़ा को मिले 1 करोड़। सात से आठ सालों में दोगुनी हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था, नीति आयोग से वीसी ने कहा। करीब 500 ट्रेनें हुई रद्द, घर से निकलने से पहले चेक करना जरूरी। मार्च से और आगे नहीं बढ़ेगी पैन कार्ड की अंतिम तारीख, इसके बाद लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। विदेशी निवेशकों ने इस साल अब तक निकाले कुल 1.15 लाख करोड़, कच्चे तेल में तेजी से बढ़ रही है टेंशन। वैश्विक रुख तय करेगी शेयर बाजार की दिशा, कायम रहेगा उतार चढ़ाव का दौर। पोस्ट ऑफिस निवेशकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से फिक्स्ड डिपॉजिट समेत अन्य स्कीम्स पर कैश में इंटरेस्ट का भुगतान नहीं। बीते सप्ताह शेयर बाजार पर रहा दबाव, टॉप 10 में 7 कंपनियों के मार्केट कैप में आई 1.14 लाख करोड़ की गिरावट। एक अप्रैल से राज्यों में सीएनजी होगी सस्ती, 13.5% की जगह बस 3% देना होगा वैट।
पूरे देश में हड़ताल, बैंकिंग सेवा पर होगा असर, एटीएम में हो सकती है कैश की किल्लत। वीआईएल को रकम जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिली, 14,500 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, टैक्स छूट के साथ पैसा रहेगा सुरक्षित। बिजली की बढ़ती मांग के बाद भी घटा कोयले का आयात, उत्पादन बढ़ने के आसार। रेल मंत्री ने कहा मौजूदा निवेश रणनीति से अगले 2 दशक तक जारी रह सकती है 8% की तेज ग्रोथ। FY23 में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करेगी दिल्ली सरकार, बजट में है व्यय का पूरा लेखा जोखा। स्टार्टअप को फंडिंग में मदद देगी दिल्ली सरकार, बजट में किए गए कई अहम ऐलान। शमिता शेट्टी के साथ ब्रेकअप की अफवाहों के बीच राकेश बापट का बड़ा बयान, एक्ट्रेस को बताया डियर फ्रेंड। विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज, भोपालियों को होमोसेक्सुअल बताने पर भड़के लोग। शनाया कपूर से लेकर शनाया देवगन ने रैंप पर बिखेरे जलवे, जानवी कपूर का भी दिखा गॉर्जियस लुक। परिवार के साथ आलीशान बंगले में रहते हैं रामचरण, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं एक्टर। करण जौहर और परिणीति चोपड़ा ने भारती सिंह के बच्चे का किया नामकरण, बोले अगर लड़की हुई तो बाज। माधुरी दीक्षित ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ किया रोमांटिक डांस, फैंस बोले अमेजिंग। स्टेडियम में नजर आए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अपनी टीम केकेआर को किया सपोर्ट। आपस में टकराई ट्रांस वुमेन, फैशन डिजाइनर साइशा शिंदे और कंगना रनौत, शो से होना पड़ा बाहर। शाहरुख खान ने शेयर की पठान के सेट से अपने लुक की झलक, कहा तो पठान को कैसे रोकोगे। ₹500 करोड़ रुपए की लागत से बनी एसएस राजमौली की आरआरआर तमिल, रिकॉर्ड ने ऑनलाइन की लीक। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।